हाय गाइस, वेलकम टू मोहित एग्रीकल्चर ट्यूटोरियल्स। माय नेम इज़ मोहित गुप्ता और आज फिर से हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं। सेल वॉल हमने कंप्लीट कर दिया था, सेल पढ़ा रहे थे, प्लांट सेल हम लोग पढ़ा रहे थे, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी मैं पढ़ा चुका हूँ। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अभी रह गया, उसके बारे में आगे वीडियो आएगी, तो डोंट वरी फॉर दैट। प्लांट फिजियोलॉजी सब्जेक्ट के अंडर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्लांट सेल में न्यूक्लियस क्या होता है। What is the small dotted area that is very dark that you see in the cell that I have drawn? मतलब मैंने एक एरिया बनाया था, अगर आपको प्लांट सेल याद होगी तो ऐसा कुछ ज्योमेट्रिकल सा शेप एक बनाया था आपके लिए, कुछ ऐसा ज्योमेट्रिकल सा शेप बना दिया था आप लोगों के लिए, जिसमें मैंने बहुत सारे अलग अलग जो है ऑर्गेनल्स बनाए थे। उन्हीं ऑर्गेनल्स में एक डार्क एरिया, ऐसे ये बिल्कुल डार्क एरिया था जिसके चारों तरफ यूं कुछ वॉल टाइप की थी और ये कुछ क्रोमोसोम्स बनाए थे। तो ये जो एक एरिया मैंने बनाया था, इस एरिया के बारे में बात करना है कि ये आखिर में है क्या। व्हाट इज न्यूक्लियस एंड हाउ इज द न्यूक्लियस बिल्ड, मतलब न्यूक्लियस कैसे बना होता है, किन किन चीजों, क्या क्या सामग्री उसमें लगी होती है जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस जो है डिजाइंड होता है। तो एक बहुत रफ डायग्राम मैंने बना दिया है, इसको अच्छे से आपको समझाते हैं कि न्यूक्लियस है क्या। बेसिकली हमें इसके बारे में बात करनी थी तो प्लांट सेल को ज्यादा बढ़िया से बनाने की मुझे कोई जरूरत नहीं थी। आपने अगर प्लांट सेल की वीडियो ना देखी हो तो प्लीज गाइस जाके देख लीजिए, लिंक आपको यहाँ पे आई सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। तो बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। तो गाइस, अगर आपको कोई भी चीज समझनी हो, अगर कोई भी चीज आप एक बेसिक कंसर्न के साथ समझना चाह रहे हैं कि आप उसके डिटेल में जाना चाह रहे हैं, तो जो भी मैं बोलता जाऊं तो आप एक डायग्राम अपने दिमाग में इमेजिन करिए। जितना भी मैं आपको बता रहा हूं, ये एक तरीके का इमेजिनेशन आपके दिमाग में चलना चाहिए एट द सेम टाइम, ताकि आप अपने जो दिमाग में आपका जो एक डायग्राम बन चुका है मेरे बताने के अनुसार, उससे आप मेरे डायग्राम को कंपेयर करें, उसमें गलतियां निकालें और एक परफेक्ट डायग्राम को आप समझ पाए। तो साथ ही साथ एक इमेजिनेशन करते चलिएगा जो भी मैं बोलूं, ठीक है। तो न्यूक्लियस के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिलता है कि न्यूक्लियस ही ब्रेन है सेल का। इज इट सो? न्यूक्लियस कैसे ब्रेन हो सकता है? न्यूक्लियस इज द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ द सेल, हम ये कह सकते हैं, लेकिन ब्रेन नहीं कह सकते, ठीक है। Nucleus is the main component of the cell that is actually causing heredity gap from one generation to the another generation, or it works as a carrier of genes from one cell to the another cell via DNA and RNAs, right? Because Nucleus की जब हम लोग संरचना के बारे में बात अभी करेंगे आगे, तो हम ये जानेंगे कि Nucleus में एक बहुत बड़ा हिस्सा है किसका? DNA और RNA का। इसलिए न्यूक्लियस ही वो पार्ट कहलाता है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हेरिडिटी कॉज करने में हेल्प करता है। अगर हम लोग पूरी एक न्यूक्लियस की बात करें, पूरी न्यूक्लियाई की बात करें, वो जो एक पूरा स्ट्रक्चर जो होता है, अगर हम उसकी बात करें तो 5 से 7 μm जो कि माइक्रोमीटर भी कहलाता है, ये एक एक्यूरेट डायमेंशन है उस न्यूक्लियाई की, जो आप पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं फ्रॉम सेल वॉल टू द एंड, फ्रॉम सेल वॉल आउटर टू द बिटवीन वन पार्ट, दैट इज सो मच फिल्ड बाय मेनी ऑफ द स्मॉल स्मॉल पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस, वी कैन से लाइक दैट। सो ये एक डायमेंशन है जिसमें न्यूक्लियाई पाया जाता है, मतलब इतना 5 से 7 μm एक करेक्ट साइज है, राइट। अब बात करते हैं कि न्यूक्लियस है क्या, तो ये तो थोड़ी सी टेक्निकल बातें हो गई। अब न्यूक्लियस के डायग्राम और न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं। तो किसी भी प्लांट सेल में अगर हमको न्यूक्लियस को देखना है, तो न्यूक्लियस इज अ कंपोनेंट, इज अ ऑर्गेनेल दैट कैन बी सीन इन द सेल इटसेल्फ ओनली। अगर आप ड्राइंग बना रहे हैं और अगर आप उसमें न्यूक्लियस नहीं बना रहे हैं, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि वो आप कोई सेल बना रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियस इज द मेन पार्ट ऑफ द सेल, राइट। न्यूक्लियस हेरिडिटी को कॉज करता है। अब बात करते हैं न्यूक्लियस क्या होता है। तो न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर जितना भी पिगमेंट भरा होता है, जो जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, वो जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसके आउटर वॉल
से शुरू होता है न्यूक्लियस, जो कि कहा जाता है कि डबल लेयर्ड बॉल होती है। ठीक है, तो न्यूक्लियस कुछ इस तरीके से राउंड शेप, शेप कोई भी हो सकता है, शेप कोई स्पेसिफिक नहीं है, बट इसका कहा जाता है कि डबल लेयर्ड वॉल होती है न्यूक्लियस। तो एक इमेजिनेशन हमारा ये गया कि एक डबल लेयर्ड वॉल है न्यूक्लियस में, एंड दिस वॉल इज मेड स्पेसिफिकली ऑफ लिपोप्रोटीन्स। ठीक है, ये वॉल किस चीज से, किस कंपोनेंट से बनी हुई है? लिपो प्रोटीन। नाउ इफ यू हैव सीन माय फर्दर मोर वीडियो जो मैं बना चुका हूं, अगर आपने वो वीडियो देखी है पहले वाली, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि जो हमारी सेल की संरचना है उसमें मोस्ट ऑफ द मटेरियल जो लगा हुआ है, सबसे ज्यादा जो अमाउंट में जो चीज लगी हुई है वो प्रोटीन ही है। इस वजह से जब आप मसल बिल्डिंग फेज में होते हैं या कोई भी आपको फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, अपने साइज बढ़ाना है, हाइट ग्रोथ करनी है, तो उसमें भी प्रोटीन की जरूरत होती है, क्योंकि जो भी हार्मोन्स होते हैं वो भी सेल से बने होते हैं। और सेल का जो है स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो यहां पे भी आप देखिए लिपोप्रोटीन। तो प्रोटीन एक ऐसा फॉर्म ऑफ कंपाउंड है जिससे एक सेल डिजाइन होती है। ठीक, तो ये थोड़ा सा क्लियर करिए अपने दिमाग में, इमेजिन करते रहिए जो भी मैं बोल रहा हूं, इमेजिन करते रहिए। अब ये जो लिपोप्रोटीन है, दिस इज द ओनली मटेरियल दैट इज यूज्ड बाय द न्यूक्लियर सेल वॉल, मींस न्यूक्लियस वॉल। न्यूक्लियस वॉल में लिपोप्रोटीन होता है, लिपोप्रोटीन की संरचना होती है, मतलब लिपोप्रोटीन से बनी हुई ये वॉल होती है। अभी भी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ। अब इस वॉल का क्या काम है, न्यूक्लियस को ये वॉल क्यों दी गई? ठीक, क्योंकि जब आप सेल को ड्रॉ करते हैं किसी भी, जब आप सेल को भले ही प्लांट सेल को समझ रहे हो, एनिमल सेल को समझ रहे हो, तब आप एक चीज को जरूर समझते हैं कि ये जो एक न्यूक्लियस है, ठीक है, ये एक ऑर्गेनल है, स्पेसिफिक ऑर्गेनल है, और इसके अंदर जो मटेरियल है वो भी एक सैप टाइप ऑफ पिगमेंट में फिल्ड है, मतलब उसी में फ्लोट कर रहा है, उसी में तैर रहा है। इसके अंदर जितना भी छोटे छोटे जो अणु हैं, कह सकते हैं छोटे छोटे ऑर्गेनल्स हैं, इसके अंदर भी वो जो ऑर्गेनल्स हैं वो फ्लोट कर रहे हैं, किसमें? आपके न्यूक्लियोप्लाज्म में। न्यूक्लियोप्लाज्म किसको कहते हैं? इसके अंदर जितनी भी फीलिंग है, अभी फीलिंग के बारे में भी बात करते हैं, तो ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है इसको साइटोप्लाज्म जो कंटेंट है उससे दूर रखने के लिए या उससे स्पेसिफिकली अलग करने के लिए क्या कार्य करती है? न्यूक्लियर वॉल का कार्य करती है। ये जो न्यूक्लियस की ये जो वॉल होती है इसको कहते हैं न्यूक्लियर वॉल। तो इसका कार्य क्या होता है कि साइटोप्लाज्मिक कंटेंट से जो है न्यूक्लियस के अंदर के जो मेन मेन पार्ट्स हैं उनको जो है बचाए या उनको दूर रखे, कह सकते हैं, राइट? तो ये एक तरीके का डिजाइन हमारे दिमाग में बन चुका है, बट दिस इज नॉट अ प्रॉपर डिजाइन, क्योंकि हम जब एक डायग्राम में देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि छोटे 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 पोर्स बने होते हैं, बल्कि पोर्स हम लोग उन पोर्स को कभी भी पोर्स की तरह देखते ही नहीं है। हम तो ये सोचते हैं कि इस तरीके से ये वॉल बनी होती, दैट्स इट। वी आर नॉट कंसीडरिंग दीज पोर्स एज पोर्स, हम पोर्स की तरह इन पोर्स को लेते ही नहीं, हम बस ये सोचते हैं कि न्यूक्लियर वॉल का डिजाइन ही कुछ ऐसा है। तो ये जो एक छोटे छोटे पोर्स हैं बीच में, ये जो छोटे छोटे पोर्स हैं बीच में, इनका अगर अनुमान लगाया जाए तो 10 से लेके 36 एनएम तक इनका साइज हो सकता है, डायमीटर जो है हो सकता है। और इन पोर्स का अगर हम बात करें तो ये जो पूरा एनवलप मैंने बना दिया है न्यूक्लियोप्लाज्म, मतलब न्यूक्लियर कंटेंट को बचाने के लिए जो एक रिजिड वॉल दी गई है, इसका ये जो लिपोप्रोटीन की वॉल है इसमें जो पोर्स पाए गए हैं इनका डायमेंशन अगर नापा जाए तो कितना है, 10 से लेके 35 36 एनएम तक, ठीक है, इतने पोर्स बड़े हो सकते हैं। तो इन ये जो पूरी की पूरी सेल में जो न्यूक्लियस पाया जा रहा है, जो न्यूक्लियस कंटेंट है पूरा का पूरा मिला के, न्यूक्लियर वॉल प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म ये पूरा का पूरा मिला के, इसकी डायमेंशन क्या बचती है जाके, 5 से 7 μm, मींस माइक्रोमीटर।
कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। हम लोग न्यूक्लियर वॉल तक पहुंच चुके हैं, अब उसके अंदर चलते हैं, डीप स्टडी करते हैं। ठीक, तो ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया छोटा सा कि न्यूक्लियर वॉल लिपोप्रोटीन की बनी हुई, लिपोप्रोटीन की बनी हुई ये वॉल जो है कंटेंट को जो है प्रिजर्व करती है कि ताकि वो दूसरे जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है उसमें घुल ना जाए। ठीक है, हम ये कैसे सकते हैं? तो अब इसको मिटाते हैं इस डायग्राम को, अब बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म की। न्यूक्लियोप्लाज्म इसकी बात करनी है, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म इसके अंदर की फिलिंग होती है, एक सैक टाइप का होता है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे माइन्यूट ऑर्गेनेल्स होते हैं। माइन्यूट ऑर्गेनेल्स कह सकते हैं या इसकी संरचना ही ऐसी होती है, ये हम कह सकते हैं। इसकी बनावट जो अंदर से है उन छोटे छोटे पार्टिकल्स, उन छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो वॉल बनाई गई थी उसके अंदर जो फिलिंग है, जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं छोटे छोटे, वो सब जो है इसके अंदर आएंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आएंगे। तो अब चलिए फर्दर मोर डिस्कशन करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के ऊपर। न्यूक्लियोप्लाज्म में सबसे इंपॉर्टेंट पाया जाता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस तो ये मैंने एक वॉल आपको बना के दिखाई थी, वो वॉल मैं दोबारा बना दे रहा हूं, वो वॉल मैं दोबारा बना दे रहा हूं यहां पर। तो कुछ ऐसी वॉल आपको जो है देखने को मिलती है अगर आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखते हैं, और ऐसा न्यूक्लियोलस दिखता है। अब इस न्यूक्लियोलस को एक्सट्रैक्ट करते हैं और बाहर निकाल के पढ़ते हैं न्यूक्लियोलस है क्या। तो ये जो है आप एक स्पेसिफिक राउंड एरिया देख रहे हैं, ये है न्यूक्लियोलस, राइट। न्यूक्लियोलस का कार्य क्या होता है? न्यूक्लियोलस इज द एक्यूरेट प्लेस वेयर The DNA and RNAs are generated, we can say like that. और ये जो RNA है और राइबोसोम है इसकी सिंथेसिस में कार्य करता है न्यूक्लियस ही, सॉरी न्यूक्लियोलस ही, राइट। न्यूक्लियोलस इज अ परफेक्ट एरिया वेयर राइबोसोम एंड RNAs आर सिंथेसाइज्ड। अब इसके बारे में बात करते हैं कि जो न्यूक्लियोलस है, ये जो एक छोटा सा आपको डार्क सर्कल दिख रहा है इसको मैंने व्हाइट क्यों बनाया है, तो इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं और इसको रब कर देते हैं। तो न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस is further more divided into three parts. Nucleus के three parts होते हैं, right? It is further more divided into three parts. Means वो cell आपको दिखती है, cell में बहुत सारे organelles हैं और उनमें से एक organelle है nucleus. Nucleus nuclear wall में के अंदर nucleoplasm पाया जाता है जिसके अंदर content filled होता है। उस content का एक छोटा सा हिस्सा है nucleolus जो कि पूरा nucleus का एक हिस्सा है छोटा सा। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियोलस होता है ये फर्दर मोर डिवाइडेड होता है इनटू थ्री पार्ट्स। अब देखते हैं कि ये आरएनए और राइबोसोम को सिंथेसाइज करने में कैसे हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो ये थ्री पार्ट्स हैं इसके। द नंबर फर्स्ट पार्ट इज डेंस एंड ग्रैनुलर। डेंस का मतलब घना, ग्रैनुलर का मतलब है ग्रैन्यूल्स टाइप, मतलब छोटे 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 दाने टाइप के यहां पे पाए जाते हैं। ठीक, सेकेंड पार्ट होता है, तो ये यहां पे लिख लेते हैं डेंस एंड ग्रैनुलर पार्ट, राइट। सेकेंड पार्ट जो आपका ये होता है, ये नंबर फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट होता है दिस, तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये है डेंस और ग्रैनुलर, बट ये पार्ट होता है फाइब्रिक पार्ट, मींस फाइबरस टाइप ऑफ
संरचना होती है यहाँ पे फाइबर जैसा निकला होता है, इसलिए इसको कहते हैं फैब्रिक पार्ट, तो इसको कहते हैं फैब्रिक, फैब्रिक पार्ट। और जो थर्ड पार्ट होता है यहां पे न्यूक्लियर डीएनए पाया जाता है जो कि न्यूक्लियोलस के अंदर जब्त होता है, और यही वो डीएनए होता है जो आगे हेरिडिटी एक जीन को दूसरे जीन दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसफर करता है। मतलब कि एक जो नया ऑफस्प्रिंग आया है उसमें जो भी क्वालिटीज आ रही हैं वो सेल के कौन से पोर्शन से आ रही हैं, अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है तो वो न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस एरिया है जिसमें एक एरिया होता है न्यूक्लियोनेमा। ये जो एरिया होता है न्यूक्लियोनेमा, इस एरिया में डीएनए पाया जाता है जो कि न्यूक्लियर डीएनए होता है, न्यूक्लियोलर डीएनए होता है। और ये एरिया क्या कार्य करती है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हेरिडिटी को पहुंचाने का कार्य करती है। न्यूक्लियस में स्पेसिफिकली हम ये नहीं कह सकते कि न्यूक्लियोलस ही हेरिडिटी को एक कॉज करता है, ठीक है, बट जो माना गया है, मतलब जो एक साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू निकाला गया है उसके द्वारा यही पता चला है कि 60-80% केसेस में यही पाया गया कि ये जो न्यूक्लियोलस में न्यूक्लियोनेमा जो एरिया था इसी का जो डीएनए था वो हेरिडिटी कॉज करता हुआ दिखाई दिया। तो ये तो एक स्पेसिफिक डायग्राम हो गया न्यूक्लियोलस का। अब बात ये करते हैं न्यूक्लियोलस के बाद में कि मैंने आपको बताया कि आरएनए और डीएनए इसको कॉज करने में कैसे ये न्यूक्लियस हेल्प करता है, न्यूक्लियोलस हेल्प करता है। तो डीएनए तो ठीक है, डीएनए तो अभी फर्दर मोर बाद में पढ़ेंगे, आरएनए और राइबोसोम मैंने आपसे डिस्कस किया था ना, राइबोसोम। सो ये जो स्पेसिफिकली आप लोग को दो वर्ड दिख रहे हैं आरएनए और राइबोसोम, ठीक, आरएनए को जो है यहां पे सिंथेसाइज करता है यही न्यूक्लियोलस। कैसे सिंथेसाइज करता है, इसका ये जो एरिया है न्यूक्लियोनेमा, राइट, न्यूक्लियोनेमा। सो दिस एरिया इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू आरएनए बिकॉज इट कंसिस्ट्स ऑफ डीएनए विच विल फर्दर मोर ब्रेक इनटू स्मॉल चेन्स कॉल्ड आरएनएस, राइट। तो ये जो बड़ा एरिया आपको न्यूक्लियोनेमा दिख रहा है ये फर्दर मोर और जो है डीएनए को ब्रेक करेगा और आरएनए को जो है जनरेट करेगा, ये सिंथेसाइज करेगा कह सकते हैं। तो न्यूक्लियोनेमा बराबर सिंथेसिस ऑफ आरएनए, राइट। लेकिन हमने तो बात किया आरएनए और राइबोसोम दोनों के बारे में, तो राइबोसोम कहां से सिंथेसाइज होगा, तो आपको ये जो दोनों एरिया दिख रहे हैं डेंस और ग्रेनुलर एरिया और ये जो फैब्रिक एरिया दिख रहा है, फैब्रिक पार्ट जो दिख रहा है, ये दोनों पार्ट मिलके, ये दोनों पार्ट मिलके जो है राइबोसोम को सिंथेसाइज करेंगे, राइट। डेंस ग्रेनुलर एरिया प्लस फैब्रिक एरिया, फैब्रिक एरिया FBS प्लस न्यूक्लियोनेमा, राइट। तो इन दोनों ने मिलके सिंथेसाइज करने में हेल्प किया किसको, राइबोसोम को। और ये जो एक न्यूक्लियोनेमा, ये जो ये पर्टिकुलर जो एरिया मैंने आपको बताया तीन भागों में विभाजित है और एक इसका जो एरिया है न्यूक्लियोनेमा, ये पर्टिकुलरली सिंथेसाइज करता है आरएनए को, आरएनए। तो ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का, बट न्यूक्लियोलस का, सॉरी, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस पाया जाता है ये पूरा का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है न्यूक्लियोलस का। क्या क्या वर्क रहता है देखिए, एक छोटा सा ऑर्गेनेल और कितना बड़ा, पूरे के पूरे बोर्ड में आ गया लगभग, कितनी बड़ी थ्योरी रहती है। और अभी भी ये थ्योरी एंड नहीं हुई है न्यूक्लियोलस की,
इसके ऊपर तो मुझे और पढ़ना पड़ेगा आपको पढ़ाने के लिए, इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सर का, ठीक है। तो अब इस न्यूक्लियोलस को हटाते हैं, साइड करते हैं, न्यूक्लियोलस समझ में आ गया। अब न्यूक्लियस में फर्दर मोर ऐसा क्या पाया जाता है कि जिसके बारे में हमको पढ़ना है अभी भी? तो वापिस चलते हैं अपने पुराने डायाग्राम में। तो वापिस चलते हैं अपने पुराने वाले डायग्राम में और देखते हैं कि वहां पे हमने क्या पढ़ा था। तो जो पुराना डायग्राम था उसके अनुसार एक इस तरीके की डबल लेयर्ड सेल वॉल थी जिसमें पोर्स थे, राइट, पोर्स जो थे अबाउट 8% ऑफ एनवलप, ये जो वॉल है इसका पोर्स ही कवर कर लेते हैं। हमने ये पढ़ा था इस वॉल के बारे में, इसका काम क्या होता है, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म को विभाजित अलग करना, और इस वॉल के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियोनेमा। अब न्यूक्लियोनेमा ये सॉरी न्यूक्लियोनेमा न्यूक्लियोलस, राइट, इस वॉल के पास पाया जाता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का स्पेसिफिक वर्क मैंने आपको समझा दिया है, डीएनए और आरएनए और राइबोसोम को सिंथेसाइज करना, ये काम होता है न्यूक्लियोलस का। अब इसी सेल वॉल के से रिलेटेड अभी मैंने ये बात आपसे की नहीं, बट ये भी एक बहुत बढ़िया लॉजिक है, इसी से कॉन्टिन्यूएशन में रहता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आप डायग्राम को याद करेंगे पुराने डायग्राम को, तो ये वाला फिगर आपके लिए क्लियर हो जाएगा। तो ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो एक एरिया मैं स्पेसिफिकली बना रहा हूं, ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ होते हैं, रफ होते हैं, दो तरीके के होते हैं, दोनों इसी से जुड़े होते हैं, इसी से कॉन्टिन्यूएशन में होते हैं सेल, जो न्यूक्लियर वॉल है, इसलिए इसको इसी के हम लोग नजदीक बनाते हैं। तो ये दूसरा लॉजिक हो गया। अभी हमने ये बात करनी थी कि न्यूक्लियर वॉल और न्यूक्लियोलस के अलावा, न्यूक्लियर वॉल और न्यूक्लियोलस के अलावा और कौन सा ऐसा पार्ट है जो न्यूक्लियस को कंप्लीट करेगा। तो न्यूक्लियस में इसके अलावा फर्दर मोर एक और पार्ट पाया जाता है जिसको कहते हैं क्रोमोसोम या क्रोमेटिन थ्रेड्स। क्रोमेटिन थ्रेड्स आर द थ्रेड्स विच लेटर ऑन चेंजेस इनटू क्रोमोसोम्स एंड कॉजेस हेरिडिटी। तो अभी ये जो डीएनए है ये जीन्स को ले जाने में हेल्प करेगा, ये क्रोमोसोम फ्यूजन में हेल्प करेंगे, बट 40% केसेस में जैसे मैंने आपको बताया ये क्रोमोसोम भी डीएनए को क्रॉस करने में सक्षम होते हैं। इनमें क्रोमोसोम का अगर आप स्ट्रक्चर, चलिए क्रोमोसोम के ऊपर एक नई वीडियो मैं बना दूंगा, अभी अपना स्पेसिफिक जो आपका एक पैटर्न है उस पे चलते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस का पूरा डायग्राम क्लियर हो गया। तो अब हम बात करते हैं कि न्यूक्लियस की एक्चुअल संरचना क्या है। अगर कोई कहे कि न्यूक्लियस का फॉर्मूला लिख दीजिए जल्दी से, तो अगर कोई फटाक से आपसे कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आ जाता है, कोई फॉर्मूला दे देते हैं किस चीज का फॉर्मूला या कौन सी चीज इन सब चीजों को मिला के बनती है, तो आपका आंसर होना चाहिए न्यूक्लियस। अब कौन सी चीजें हैं जिनको मिला के न्यूक्लियस बनता है? तो जो एक बेसिक फॉर्मूला है न्यूक्लियस का जो साइंटिस्ट ने दिया है कि यही एक संरचना है न्यूक्लियस की। क्या है संरचना? न्यूक्लियस इज मेड ऑफ अबाउट 70% ऑफ प्रोटीन प्लस अबाउट 8% ऑफ फॉस्फोलिपिड, राइट, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ा था, अगर आपको ध्यान होगा तो, फॉस्फोलिपिड प्लस डीएनए प्लस आरएनए। तो ये एक आप देख रहे हैं बेसिक फॉर्मूला है, यही बेसिक फॉर्मूला है न्यूक्लियस का, ठीक है। और यही जो एक बेसिक फॉर्मूला मैंने ये लिख दिया है आपको न्यूक्लियस का फॉर्मूला, ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है और पूछा जाता है, क्योंकि मैं पढ़ता रहता हूँ, राइट, रीडिंग करता रहता हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक्स का, तो ये क्वेश्चन मुझे बहुत बार मिल चुका है।
तो अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि 70% प्रोटीन प्लस फॉस्फोलिपिड प्लस डीएनए प्लस आरएनए ये मिलके किस चीज की संरचना करती है, तो ये सीधा सीधा आपका आंसर होना चाहिए न्यूक्लियस का। और न्यूक्लियस के अंदर उसके बहुत पार्ट्स हैं। ओके गाइस, सो होप सो कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हिट द बेल आइकन, हिट द सब्सक्राइब बटन, हिट द लाइक बटन एंड प्लीज गाइस सपोर्ट आवर चैनल टू ग्रो, क्योंकि हम लोग कुछ करना चाहते हैं एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चरल स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज गाइस प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए, राइट। प्लीज हेल्प अस टू ग्रो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।